हम सब कोई ना कोई एनर्जी जो है वो कैरी कर रहे हैं, और हमारी जो एनर्जी है ना बेसिकली वही सामने वाले को बता रही होती है कि हम कितने पॉजिटिव हैं और कितने नेगेटिव हैं। मम्मी को जो है ना एक स्पैगेटी की रेसिपी मिल गई है जो कि अम्मी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, अम्मी को भी क्या घर में सबको ही पसंद आई, तो अब वो रेसिपी हमारी घर में इंशाल्लाह ताला इतनी पकेगी कि वो पिट जाएगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। वेल आज संडे है और कल सैटरडे था, कल मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि येस्टरडे आई वॉज सो मच इमोशनली डाउन, मुझे नहीं समझ में आता, मैं टोटली जोन आउट थी, मेरा कुछ दिल नहीं कर रहा था करने के लिए, और कल का दिन बहुत ही ज़्यादा डाउन था मेरे लिए, और बस इसलिए मैंने कोई व्लॉग भी नहीं बनाया। तो आज संडे है, मैंने कहा चले आज ज़रा हिम्मत पकड़ते हैं, आप लोगों को कनेक्ट करते हैं, कुछ बातें करते हैं, कुछ अपने दिल की बातें आपसे करते हैं, कुछ आपकी सुनते हैं, और भाई यही लाइफ है, ज़िंदगी में आगे तो बढ़ना ही होता है। और फिर सोशल मीडिया को ये थोड़ी कि हम आपको हर वक्त ग्लैमर दिखा रहे हैं, हम खुशियाँ दिखा रहे हैं, हम आना जाना दिखा रहे हैं, ये मतलब नहीं है। पर्पस तो यहाँ पे ये है ना कि भाई आपसे कनेक्ट करना है, और जो एक लाइफ ऑब्वियसली हम सबकी ये जो लाइफ है एक तरह से जैसी ही है, बस अप एंड डाउन है थोड़ा सा मामला हर किसी का। सो बस ये कि हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर दिन आप खुश नहीं होते, कभी आप डाउन भी होते हैं, और मेरे ख्याल से इट्स टोटली नॉर्मल कि कभी आप डाउन फील कर रहे हैं, आप लो फील कर रहे हैं, सही है, इट्स ओके। सो बस कल कुछ भी नहीं किया था। और इन अदर न्यूज़, आज 19th of February है, आज पूरे 2 महीने हो गए मेरी जॉब को, और ये 2 महीने ऐसे गुजरे समझ में नहीं आया, कैसे यकीन नहीं आया कि 2 महीने भी गुजर गए। सो अब तक ये जर्नी जो है सो फार सो गुड, और इन 2 महीने में बहुत सारे लोगों से मिली हूँ, और हर दिन ऑब्वियसली कोई ना कोई नए एक एक्सपीरियंस होता है, लोगों का पता चलता है। और एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा कॉमन लगती है जो मैं सब लोगों में देखती हूँ, वो ये कि ना हम सब कोई ना कोई एनर्जी जो है वो कैरी कर रहे हैं, और हमारी जो एनर्जी है ना बेसिकली वही सामने वाले को बता रही होती है कि हम कितने पॉजिटिव हैं और कितने नेगेटिव हैं। कुछ लोगों से आपको बात करके बहुत अच्छा फील होता है, और कुछ लोगों से आपको बात करके बहुत हैवी फील हो रहा होता है, यानी कि आप कोशिश कर रहे होते हैं कि जल्द से जल्द इनसे कन्वर्सेशन हमारी बस एंड हो जाए और देन वी मूव ऑन। सो बस ये एक चीज़ है। और आज चूँकि संडे है तो ऑब्वियसली घर में है, और अभी तक बस वही जो रूटीन के काम होते हैं वही हो रहे होते हैं, उठे, खाना वाना, नाश्ता वाश्ता किया, घर के थोड़े बहुत काम, और बस अभी ये कि लंच वगैरह करके फारिग हुए, तो मैंने कहा पहले नमाज़ पढ़ लूँ फिर आप लोगों से ज़रा बैठ के बातचीत करती हूँ। सो बस अब तक की ये अपडेट है जो मैंने आप लोगों से शेयर कर ली, और रिमेनिंग डे कैसा गुजरता है आपको साथ रखेंगे, सही है, सो स्टे ट्यून्ड। सो भाई मैंने कहा अब ज़रा थोड़े बहुत काम वाम भी कर लिए जाए, अभी किचन में आई थी, खाना खा के बर्तन वगैरह नहीं धोए थे तो वो अभी तक पड़े थे, मैंने कहा चले बहुत ज़्यादा किचन विचन साफ कर दूँ, बर्तन धो के फारिग हुई हूँ। सो भाई ये चिकन भी वॉश करने वाली बाहर पड़ी हुई थी, मैंने कहा उसको पहले वॉश करके अंदर रखूँ ताकि कहीं ख़राब ना हो जाए। और भाई चिकन आप देख रहे हैं कितनी महंगी हो गई है, 900 रुपये किलो, मैं तो हैरान हो गई सुन के। अम्मी कहेंगे बेटा बस अब सब्ज़ी और दाल ही खाओ, अब चिकन विकन भूलो, जिस कदर महंगाई हो रही है समझ में नहीं आ रहा कि चीज़ें कैसे इतनी महंगी हो रही हैं, और बेचारा जो गरीब इंसान है वो तो बेचारा पता नहीं क्या ही करेगा जो हालात चल रहे हैं। भाई ये हमारी रोटी बच गई थी तो मैंने कहा इसको ज़ाया करने से बेहतर है इसके पीसेस करें और इसको डालते हैं हम बाहर कबूतरों को, आ जाएँ फिर। सो भाई ये डाल देंगे इसकी इधर ताकि ये लोग खा लें, सही है। भाई ऐसा कि नमाज़ पढ़ के अभी फारिग हुई हूँ, और मैंने सोचा था कि आज ऐसा कि नमाज़ पढ़ के जाऊँगी ज़रा पार्क, काफ़ी दिन हो गए पार्क ही गई, और दिल भी कर रहा था कि पार्क जाने का, जैसा जाऊँ वॉक करूँ और जैसा ग्रीनरी में रह के बंदा थोड़ा सा इन्जॉय करता है, लेकिन सुस्ती इतनी हो रही है ना, आप यकीन करें घर से निकलने का नहीं कर रहा। और मैं अभी यही रियलाइज़ कर रही थी कि जब से मैंने जॉब स्टार्ट किया ना, आप यकीन करें मेरा घर से बाहर निकलने का दिल चाह रहा होता। लास्ट 2-3 वीक से ऐसा हो रहा है कि मेरे सैटरडे संडे लास्ट वीक तो चलो हम लोग गए थे, उससे पहले का और यानी कि उससे पहले 2 वीक्स मैं बिल्कुल घर पर रही, मैं कहीं नहीं गई, मेरा दिल ही नहीं कर रहा बेचारे। लेकिन आजकल तो मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा सुस्ती हुई है बिल्कुल भी, अभी भी मेरे एक दो काम पेंडिंग पड़े हुए जो मैं नहीं कर रही हूँ, बहुत मेरा सब आजकल लग रहा है बहुत ही ना आउट ऑफ द प्लान चीज़ें चल रही हैं मेरी बिल्कुल भी, जो कि मेरे मेरा ऐसा होता नहीं है, मेरा ऐसा मैं बिल्कुल जो है चीज़ों को प्लान करके चलती हूँ। सो बस अभी जो मेरे काम एक दो हैं वो पेंडिंग है, लेकिन आज मैं सोचूँ उनको आज मैंने हर हाल में निपटा रही निपटा। सो देखें आज कितना कर पाती हूँ। चलें भाई अब जरा शाम की चाय वाय रखते हैं, आज बेसिकली संडे वाले दिन हमारे घर में जीविया चाय बनाती है, लेकिन अभी जीविया की तबीयत ठीक नहीं है तो वो मैडम थोड़ा रेस्ट कर रही है, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं मैं चाय बना देती हूँ, तो फिलहाल मैंने अभी चाय रख दी है। हमारे घर में ना सबसे बड़ा कप जो है ना वो चाय का बाजी का होता है, बाजी का बस चला वो जग में चाय पी ले, कप में तो पिए ही ना। बाजी तो क्रेज़ी फैन है चाय पीने की, क्रेज़ी, उसका तो आप दिन में 6 मरतबा भी चाय पिला देंगे ना तो वो भी पी लेगी, 6 तो मैं शायद कम ही बोल रही हूँ, 100 मरतबा भी पिलाएंगे तब भी पी लेगी, इतनी शौकीन है।
चलें भाई, चाय शाह बन गई है हमारी गर्मा गर्म। और आज कोई समोसा, कोई बिस्किट, कुछ नहीं, सिर्फ चाय। सो भाई, मगरिब की नमाज़ से फारिग हो चुके हुए हैं और कहते हैं जितनी देर आप नमाज की जगह पर बैठे रहें आपको सवाब मिलता है। सो गाइस, बस यहाँ बैठी हुई थी, अभी उठने का दिल भी नहीं चाह रहा था। और फिर अभी ये सोच रही थी कि आज शब मेराज थी और काफ़ी सारे लोगों का आज रोज़ा भी होगा। अम्मी का इरादा था आज रोज़ा रखने का, लेकिन चूँकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो डॉक्टर ने उनको मना किया था कि अभी आप नहीं रख सकते, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी शुगर काफ़ी ज़्यादा हाई चल रही है। सो आज अम्मी ने भी रोज़ा नहीं रखा और फिर मैंने भी नहीं रखा। इतफाक से आज हम लोगों में से किसी ने भी नहीं घर में रोज़ा रखा, वरना हम लोग रखते हैं रोज़ा। सो खैर, बस अब देखें थोड़े से दिन रह गए हैं, उसके बाद शाबान शुरू हो जाएगा और शाबान के बाद फिर रमज़ान, और बस फिर वही बरकतों वाला महीना आ जाएगा। और रमज़ान की तो खैर एक अलग ही वाइब्स होती हैं, एक अलग ही एनर्जी होती है। सो बस अभी थोड़े दिनों के बाद फिर वो शब बारात है और बस ऐसे ही, अब देखिएगा कितना कुछ रमज़ान आ जाएगा पता नहीं चलेगा। सो गाइस, अम्मी को जो ना एक स्पैगेटी की रेसिपी मिल गई है जो कि अम्मी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। अम्मी को भी क्या, घर में सबको ही पसंद आई, तो अब वो रेसिपी हमारे घर में इंशाल्लाह ताला इतनी पकेगी कि वो पिट जाएगी। अब उसको जब तक हमारा दिल नहीं मरेगा ना, हमें छोड़ना नहीं। सो आज जो है ना अम्मी फिर वही बना रही हैं, और आप ये देख सकते हैं कि अम्मी जो है ना फुल माशाल्लाह पूरे दिल से अम्मी इसकी कटिंग वटिंग कर रही हैं, और यहाँ भी अम्मी ने सब कट कट करके रखा हुआ है। और अम्मी, वैसे आपको ये रेसिपी कहाँ से मिली थी? भाई ये देखो ना, ये सीमा की रेसिपी थी, उसने मुझे खिलाई बना के। अच्छा, तो फिर मुझे बहुत पसंद आई। सही 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 सही। मैंने कहा तुम लोग भाई, सीमा बाजी जो है ना हमारी नेबर है, जब हम जहाँ पहले रहते थे ना तो वो वहाँ पे हमारी नेबर थी, तो हमारी उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती है। इवन ये कि हमारी आज तक उनसे दोस्ती है और अक्सर उनके घर आना जाना भी लगा रहता है। तो अम्मी जो है इत्तेफाक से उनके घर गई है, तो वहाँ जाके अच्छा आज अम्मी मुझे बता रही है कि उनकी रेसिपी है। मैं समझी अम्मी यहाँ पे शायद कहीं देखी है नेट वगैरह पे। अच्छा, सही है। हाँ वही ना, अम्मी बस कहती रहती है मैंने एक रेसिपी देखी, वो मैंने बनानी है, वो मैंने बनानी है। मैं कहा अम्मी बनाए ना, फिर बनाए ना। तो खैर मैं अम्मी को पुश करती हूँ। अब अम्मी की ना आजकल फिर से अम्मी के कुकिंग स्किल्स जाग रहे हैं, तो अम्मी को फिर से शौक आ रहा है कुकिंग वगैरह का। वरना बीच में ना अम्मी बिल्कुल ही, अम्मी ने सब छोड़ छाड़ दिया था। अब आजकल अम्मी का फिर वो उजागर हो रहा है अंदर से कुकिंग का। सो बस अम्मी जो है ना बस आजकल कहती हैं कि बस मैं कुछ नया ट्राई करूँ। गाइस आप क्या कहते हैं, अम्मी का कुकिंग चैनल बनवा दें फिर एक, ताकि अम्मी आप लोगों को सिखाएं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को नई नई। सही ना अम्मी, वैसे आप रमजान में बताइएगा। सही है अम्मी, आप बहुत सारी डिशेस बताइएगा क्या क्या। सही है, क्विक रेसिपीज सबके लिए। कुछ हमारी अम्मी की, कुछ हमारी सास की। हाँ, उनकी रेसिपीज जो है वो बहुत अच्छी हैं। वही दोनों बड़ों की बिल्कुल, वो दिखाएंगे बनाएंगे इंशाल्लाह। सही है। चले भाई, अम्मी के नूडल्स हो गए हैं रेडी, और चेक करते हैं अब कैसे बने। जी गाइस, तो खाना वाना खा के फारिग हो चुके थे और स्पैगेटी बहुत अच्छे बने, बल्कि मैं कहती हूँ फर्स्ट टाइम से ज़्यादा अच्छे आज बने थे। सो बस मुझे एक थोड़ा सा काम था वो किया, नमाज़ वगैरह पढ़ के फारिग हो चुकी हूँ। बस अभी कल की तैयारी नहीं की है, वो सुबह उठ के करूँगी, क्योंकि अब भाई अब मेरी हो गई है बस, बहुत हो गया। संडे के दिन तो मेरा बिल्कुल ऐसे ही होता है, बिल्कुल भी जो है ना समझें कि बैठने बैठने का टाइम नहीं मिल रहा होता, बस काम के पीछे ना बंदा भाग रहा होता सुबह से लेकर शाम तक। सो एनीवेज़, ये था मेरा आज का पूरा दिन जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और बस इतवार की रूटीन कुछ ऐसे ही होती है भाई, घर के कामों में सब बिज़ी होते हैं और बस यही सब हो रहा होता है ऐसे ही। सो इतवार का दिन यूजुअली ऐसे ही होता है, कुछ डिफरेंट नहीं होता है। सो गाइज, आज के ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फटाफट सब्सक्राइब कर लो भाई, फ्री में होता है सब्सक्राइब। सही है। सो गाइज, मिलते हैं आपसे पास एक नई वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।